वी गेट साइलेंट और ये चीज़ें हमको मिलती है, कोई इसके ऊपर हमको एक्सप्लेनेशंस या कोई ऐसी चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। जबकि अगर हम इसको कुरान की रोशनी में देखेंगे तो कुरान की कई आयतों को हम जब देखते हैं तो कुरान की आयतें बहुत ही फ्रैंकली सेक्सुअलिटी को जो है डिस्क्राइब करती है, लेकिन विदाउट बीइंग वल्गर। 10 से ज़्यादा जगह तो ये बताया गया है कि इंसान की पैदाइश सेमिनल फ्लूइड से हुई है, यानी कुरान में 10 से ज़्यादा जगह पर बताया गया है कि इंसान की पैदाइश सेमिनल फ्लूइड से हुई है। और उसी तरह बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जैसे निसाउकुम हर्सुल्लकुम, औरतें तुम्हारी तुम्हारे लिए खेती है, और फिर उसी आयत में बताया गया तो आओ उनके पास जहाँ से तुम चाहो, जहाँ से तुम चाहो सूरह बकरा की आयत है, तो उसमें सेक्स के डिफरेंट पोजीशंस जो है वो भी अलाउड है इस एक्सेप्ट जो है जो अल्लाह ताला ने हराम बता दिया है। तो ये भी कुरान में बताया गया है, कुरान की आयत है, ठीक है, ये भी कुरान में बताया गया है विदाउट बीइंग वल्गर। क्रिश्चियनिटी में कुरान सॉरी क्रिश्चियनिटी में सेक्स मतलब एक ईवल चीज़ है या गुना है, इसीलिए उसमें जो है शादी नहीं करके अपने आप को सिर्फ इबादत के लिए रोक लेना, इस तरह का तरीक़ा है क्रिश्चियनिटी में। लेकिन इस्लाम में ऐसा तरीक़ा नहीं है, बल्कि इस्लाम एनकरेजेस हेल्दी सेक्सुअलिटी। जैसे मैं पहले भी ली आपको कि सबसे पहले जन्नत में अगर किसी का ज़िक्र होता है तो किसका होता है, स्पाउस का होता है, क्योंकि एक इंसान या फिर एक मर्द और औरत के बीच में जो अट्रैक्शन होता है या फिर जो ज़रूरत होती है, या फिर अगर आप देखेंगे कि इंसान को सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते की ज़रूरत होती है वो स्पाउस की होती है, इसी वजह से जन्नत की नेमतों में सबसे पहली नेमत का जिक्र स्पाउस का होता है। ये एक नेचुरल चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दी है और नेचुरली दोनों के बीच में अट्रैक्शन रख दिया है। अगर हम या फिर अगर इंसान अपने आप को इससे रोकेगा तो फिर गैर फितरी चीज़ों में पड़ जाएगा, जैसे मास्टरबेशन है या और भी गलत चीज़ों में पड़ जाएगा, और फिर इसकी इंतहा तो जो है जिना वगैरह में होती है। तो एक हेल्दी सेक्सुअलिटी को एंकरेज किया है, और इस्लाम में निकाह के बाहर टोटली इस चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया गया है, मना कर दिया गया है और हराम किया है। और इनफैक्ट निकाह में हेल्दी सेक्सुअलिटी सवाब या फिर अज्र का जो है सोर्स भी होगा, जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1006। एक सहाबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से जमा एक सहाबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी बीवी से जमा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स भी सवाब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से कह रहे हैं कि तुम अपनी बीवी के साथ जब हमबिस्तरी करते हो तो वो भी सवाब है, वो भी बाईस अज्र है। तो वो सहाबी ने पूछा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अगर तुम जिना करोगे हराम तरीक़े से करोगे तो तुम्हें गुनाह नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसी तरह जब इस ख्वाहिश को हलाल तरीक़े से पूरा करोगे तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि एक मुसलमान के लिए जब वो अपने शौहर के साथ एक औरत सेक्स करती है या फिर एक शौहर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए भी सवाब लिख देते हैं। सुभान अल्लाह। दिल कैसा वो है, देखिए अल्लाह ताला की रहमत। आप देखिए कि इस चीज़ में भी जब हम हलाल तरीक़े से जो है इस जो है डिज़ायर को पूरा करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए भी सवाब लिख देते हैं। उसी तरह इन चीज़ों का जिक्र करना, बात करना विदाउट बीइंग वल्गर इज़ अलाउड। जैसे अभी मैं आपको देखिए कुरान में बता दी एक आयत सेक्स के पोजिशंस के बारे में, यहाँ पर मैं बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के सामने जो है बता रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह इस चीज के बारे में बात करना लेकिन विदाउट बीइंग वल्गर इज अलाउड, जिसकी दलील जो है कुरान और सुन्नत से हमको मिलती है। अभी मैं आपको बताई सूरह बकरा की आयत नंबर 187, वो तुम्हारे लिए ना, वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। तो इतनी ब्यूटिफुल वर्ड्स में इतने प्यारे तरीके से विदाउट बीइंग वल्गर अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं कि
मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। क्यों? क्योंकि जब लिबास उतरता है तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए लिबास बन जाते हैं। खैर, इस आयत में और भी बहुत डेप्थ है, जैसे लिबास एक जो है इंसान को कवर करती है, कंसील करती है, ढांपती है, उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे की गलतियों को, ऐबों को जो है कवर करते हैं, फिर प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे गर्मी और सर्दी से लिबास प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को इमोशनल और सेक्सुअल टेम्पटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि एक हलाल तरीक़े से ये डिज़ायर्स पूरी हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाते हैं, टेम्पटेशन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। लिबास जैसे आपके सबसे करीब होता है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि वो क्लोजेस्ट है और सबसे करीब है। फिर खूबसूरती, जैसे आप देखें लिबास से इंसान खूबसूरत दिखता है, तो जैसे लिबास से इंसान जो है खूबसूरत दिखता है, स्पाउस के होने की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, पर्सनालिटी आपकी जो है निखर जाती है, और आप एक स्पाउस से जो खूबसूरती है वो इंसान की ज़िंदगी में क्या खूबसूरती है वो हम आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और ये इंसानियत की ज़रूरत है कि वो किसी से प्यार करे और कोई उससे प्यार करे, ठीक है। यानी एक इंसान की ये ज़रूरत है कि वो किसी यानी ऑपोजिट जेंडर में जैसे स्पाउस होता है तो उस वो किसी को प्यार करे और कोई उससे प्यार करे, ये एक इंसानियत की ज़रूरत है। और फिर लिबास जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से है, उसी तरह निकाह भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से है। अब क्या हम सेक्स, सेक्सुअलिटी और इंटिमेसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में एक हदीस आती है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसार सहाबी थे, बहुत ही कम उम्र में इस्लाम लेकर आए, बैत अकबा में भी उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी कम उम्र की वजह से लंबी उम्र तक जीने की वजह से, यानी क्योंकि उनकी एज कम थी और लेटर ऑन जो है काफ़ी लंबे उम्र तक जिए, तो कई कई अहादीस के वो रावी है। और इनफैक्ट फर्स्ट 5 सही अहादीस की रिवायतें जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही मिलती हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब निकाह हुआ वो 17 ईयर्स के थे, कितने थे, 17 साल के थे। हमारे पास 17 साल में बच्चे जो है अभी माँ के पल्लों से ही क्या करते हैं, बंधे हुए होते हैं, लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहद में उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो इनकी तो मैं ये बात बताई आपको इनके बारे में, तो मुस्लिम और बुखारी दोनों में इनका वाकया है कि एक बार कोई गज़वे पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, जब लौटे तो मदीने के करीब आए तो अपनी ऊँटनी क्या किए वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत तेज़ करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जाबिर तुम्हें घर जाने की जल्दी क्यों है। ही वॉज ओनली 17 ईयर्स एट द टाइम, तो वो गज़वे से वापस आकर आप देखिए गज़वे में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शादीशुदा भी है, निकाह भी किए और जल्दी जल्दी ऊँटनी घर की तरफ कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर क्यों तुम जो है अपनी ऊँटनी को तेज़ कर रहे हो, क्यों तुमको घर जाने की जल्दी है। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नई नई शादी हुई है, उनकी नई नई शादी हुई थी तो इसलिए वो घर जाने के लिए बेचैन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बड़ी उम्र की औरत से हुई है या कम उम्र की लड़की से हुई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि बेवा से तुमने निकाह किया या कुंवारी से तुमने निकाह किया। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने बेवा से निकाह किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुमने कुंवारी से क्यों नहीं की, तुम उससे खेलते और वो तुमसे खेलती, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा। तो अब इस हदीस से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले तो एक नज़रिया हमारा जो हम बच्चों को ना क्या समझते हैं, ये तो बच्चा है, तो सोसाइटी जैसे जिसको ट्रीट करता है वो वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। अब आप देखिए कि 17 साल का बच्चा है, वो हम बच्चा कहते हैं लेकिन एक्चुअली दैट बच्चा इज़ नॉट बच्चा, एडल्ट हो जाता है।
तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखिए कि वो गजवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर निकाह भी कर रहे हैं, और आगे मैं हदीस और भी बताती हूँ आपको आगे का पूरा। तो अब आप देखिए, तो सबसे पहले हमको बच्चों को मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कह के बड़े को भी बच्चा नहीं बनाना है। हम अगर उनको बड़ों की तरह ट्रीट करेंगे, नॉट ओनली इन आवर होम्स बट ऑल्सो इन आवर सोसाइटी, तो फिर बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उम्मत हमारी स्ट्रांग होगी। ये एक चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, फ्रैंकनेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रैंकली उनसे जो है कह रहे हैं कि तुमने कुंवारी से क्यों निकाह नहीं किया, तुम उससे खेलते और वो तुमसे खेलती। अब यहाँ पर मियाँ बीवी एक दूसरे से खेलते, उसका मतलब ये नहीं है कि बैठ के आप कोई गेम लगा कर प्ले स्टेशन या फिर अपने कोई और गेम जो है वो नहीं खेलते, या फिर घर का कोई क्रिकेट, ये बात नहीं है गेम खेलने वाली बात। खेलते यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड्स में विदाउट बीइंग वल्गर ये कह रहे हैं कि तुम उसके साथ इंटीमेसी एंजॉय करते और वो तुम्हारे साथ इंटीमेसी एंजॉय करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर फ्रैंकली विदाउट बीइंग वल्गर कह रहे हैं। तो हम इस तरह विदाउट बीइंग वल्गर वी कैन स्पीक अबाउट दिस टॉपिक। तो बहुत ही सलाहियत से बग़ैर वल्गर हुए ब्यूटिफुल वर्ड्स में हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर मोहब्बत और रोमांस ये एक बुरी चीज़ नहीं है। बुरी तरह उसको डिस्कस करना ये गंदी चीज़ है। अक्सर आप देखिए औरतों में और लेडीज़ में या फिर मर्द आपस में डिस्कस करते हैं, इसको गंदी तरीके से गंदे वर्ड्स में छिचोरेपन से डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। आप देखिए आप कितना ब्यूटिफुली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने इवन कुरान की आयत में लिबास कितना प्यारे तरीक़े से इसको जो है बताया गया है। तो इस चीज़ को गंदे वर्ड्स में वल्गर होकर या छिचोरेपन से या फिर पर्सनल होकर डिस्कस करना या गंदे नज़रिए से जो है इसको डिस्कस करना या इसके बारे में बात करना, ये हमारे लिए अलाउड नहीं है। इसी हदीस को आगे लेते हुए जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे पीछे वो बहुत बेटियां छोड़ कर गए हैं, एक और लड़की उनके साथ मैं नहीं लाना चाहता था, मैं चाहता कि एक बड़ी उम्र वाली औरत मेरे घर आए तो उनका ख्याल करे। यानी आप देखिए 17 ईयर की वो है और इस उम्र में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए, तो वो कह रहे हैं कि मेरी छोटी छोटी बहनें हैं और मैं जो है चाहता था कि एक बड़ी उम्र वाली लड़की आए जो मेरी बहनों का ख्याल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बता रहे हैं कि तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया, जो सिलेक्शन था उनका बिल्कुल परफेक्ट था। यानी पहले पार्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी लड़की से निकाह करने के लिए एंकरेज किया, लेकिन सेकेंड पार्ट में जो है बेवा से निकाह करने के लिए जो है कहा कि परफेक्ट है। यानी डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, कुंवारी से निकाह करना है या बेवा से निकाह करना है, ये इंसान को डिसाइड करना चाहिए। तो अब आप सहाबा अकराम का तरीक़ा देखिए कि हम कहते हैं कि बच्चा है बच्चा है, 17 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, तो अब आप देखिए फिर मियाँ बीवी की एंजॉयमेंट एंड अपना लाइफ। तो यहाँ पर आप देखिए कि बच्चों की तरबियत हमें कैसे करना चाहिए और कैसे उनको उम्मत का एक रिस्पॉन्सिबल मेम्बर बनाना चाहिए, ये हमें ये हदीस से सीखना है। फिर सेकेंडली, शादी जैसे हम पहले भी लिए कि इंसान की एक नेचुरल डिज़ायर है, अल्लाह ताला ने फितरत में रख दिया है, लेकिन इस एंजॉयमेंट इस डिज़ायर के लिए वी कैन नॉट फॉरगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। तो अब देखिए जो हमारी फैमिली होती है एक्सटेंडेड फैमिली की, भाइयों बहनों की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में भूल नहीं सकते या उनको बिल्कुल साइड में हटाकर नहीं रख सकते हैं। और फिर एक और चीज़ हम इस हदीस से ये भी सीखते हैं कि भाभी और नंदों का रिलेशन, हमारी सोसाइटी में क्या हो गया, नंद तो हरी मिर्च हो जाती है या भाभी और नंद का रिलेशन ऐसे होता है कि एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भाती। तो अब आप देखिए
कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आखरत या फिर हमें आखरत में वो मुकाम मिले जो सहाबा कराम का मिला, तो हमारे घर में भी ऐसा ही मामला होना चाहिए जैसे सहाबा कराम के घर में होता था, लोगों से, रिश्तेदारों से भी ऐसे मामला होना चाहिए जैसे सहाबा कराम का होता था। तो हदीस यह काफ़ी लंबी है, आगे का जो पार्ट है हम लेटर ऑन लेंगे। लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स हियर। वी वर स्पीकिंग अबाउट सेक्शुअल डिफरेंसेस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, और इसके बारे में हम ये हदीस से काफ़ी चीज़ें ली हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये बताना चाह रही थी कि विदाउट बीइंग वल्गर ब्यूटिफुल वर्ड्स में हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल होकर और जो है गंदे तरीके से करना ये अलाउड नहीं है, जबकि कुरान और सुन्नत में इस चीज़ का जिक्र एक हदूद में, एक लफ्ज़ों के जो है करेक्ट अप्रोप्रिएट इस्तेमाल से जो है हम कर सकते हैं। अब जिस तरह आप लोग देखे हैं कि लास्ट सेशन में फिज़िकल डिफरेंसेस हम समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्यों उनको कवाम बनाया, क्यों उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरत के हिसाब से क्यों दी, वो हमने देखा। और ये भी देखे हम लोग कि मैन एंड वमेन आर नॉट इक्वल, जो है फाइन एक दूसरे से कोई इंफीरियर या कोई सुपीरियर नहीं है, बट दे आर डिफरेंट एंड इट्स अ फैक्ट। जैसे फिजिकल अपीयरेंस में और स्ट्रेंथ में ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम लिए थे, ये डिफरेंसेस है, उसी तरह सेक्सुअल डिफरेंसेस भी मियाँ बीवी या फिर एक मर्द और औरत के बीच में है। ये समझना भी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इससे सामने वाले को इंसान समझ सकता है और उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम फिजिकल डिफरेंसेस को आप देखकर समझ गए होंगे कि उनका डिसीशन क्यों ऐसे, यानी मर्द जब डिसाइड करता है या कोई डिसीशन लेता है क्यों करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरली उनको बनाया ही उस तरह। सिमिलरली ये जो सेक्शुअल डिफरेंसेस है वो नेचुरली मर्द और औरत के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कोई कि कोई जो है सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। एक्चुअली होता यह है कि मर्द अपने फीलिंग्स, अपने डिजायर्स, अपनी ख्वाहिश, अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से औरत को देखता है। वो ये नहीं समझता कि औरत के फीलिंग्स और औरत के डिजायर्स, औरत के रिक्वायरमेंट्स वो डिफरेंट है। सिमिलरली औरत क्या करती है, वो अपने फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से मर्द को देखती है। वो ये नहीं समझती कि बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट एंड दोनों के डिज़ायर्स, दोनों की जो है फीलिंग्स, दोनों के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। जैसे आप देखें, इवन अ मेडिकल स्टूडेंट व्हेन डाइट इज एक्सप्लेन्ड, एक मर्द की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है औरत की। इवन खाने पीने में भी जो है रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ कैलोरीज और सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है। दोनों को आप सेम तरीके का जो है स्केल पे नहीं मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये समझना भी हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने ये डिफरेंसेस हमारे अंदर रख दिए। सबसे पहले मर्द और औरत, ये हम डिफरेंस देखते हैं प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत का क्या मतलब होता है, यानी एक मर्द के लिए, यानी एक आदमी या फिर एक शौहर को अपनी बीवी से जब बहुत प्यार होता है या बहुत प्यार उमड़ कर आता है, यानी एक मर्द को एक औरत के लिए या फिर एक शौहर को अपनी बीवी के लिए जब प्यार उमड़ कर आता है, ही मीन्स फिज़िकल लव, ही मीन्स गेटिंग इंटीमेट विथ हर। जब ये डिज़ायर उसकी पूरी हो जाती है तो फिर वो इमोशनल लव के लिए ओपन अप होता है, अल्लाह ताला ने फितरत में उनके रख दिया है। और औरत ये फील करती है कि ये मर्द को क्या हो गया है, ये मुझ पे क्यों टूट रहा है। यानी मर्द के प्यार का तरीका ये होता है कि ही उसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने फितरतन ये रख दिया है कि उसको फिज़िकल लव पहले आता है, एंड व्हेन दैट फिज़िकल डिज़ायर इज उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, देन ही विल ओपन अप फॉर इमोशनल लव। लेकिन औरत का ऐसा नहीं होता। औरत को ऐसा होता है, एक औरत को जब किसी से प्यार और मोहब्बत हो जाती है तो उसको इमोशनल लव पहले चाहिए, उसको पहले रोज़ेस चाहिए, पहले मीठी मीठी बातें चाहिए, पहले तारीफ़ें चाहिए, पहले गिफ्ट्स चाहिए। इमोशनली जब वो सैटिस्फाई होती है तो देन शी ओपन्स अप फॉर फिज़िकल लव।
ये अल्लाह ताला ने फितरत में रख दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द या फिर शोहर अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होना चाह रहा है तो यूजुअली औरत के अंदर ये होता है कि ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ मी, ऐसा नहीं है। इट इज़ हिज वे ऑफ लविंग अ वुमन। और जैसे ही जो है मर्द औरत या फिर शोहर जो है अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आता है तो बीवियाँ जो है बिल्कुल दे डोंट लाइक इट बिकॉज शी वांट्स इमोशनल लव। पहले उसको पहले रोज़ेस चाहिए, उसको मीठी मीठी बातें चाहिए, उसको तारीफें चाहिए। और फिर जो है जैसे ही ओपन्स ही ट्राइज टू गेट इंटरमेट विथ हर तो फिर औरत क्या करती है, अपने आप को खींच लेती है या रोक देती है या फिर जो है ये कहती है आपको बस मुझे इस्तेमाल करना है या फिर आपको ये क्या सूझ रहा है। लेकिन अ वुमन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये मर्द के प्यार का तरीका है बिकॉज वी आर मुस्लिमा, इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ने एहसान, एहसान क्या है आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट हियर। तो इसमें बहुत 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 रिवॉर्ड्स है क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको भेजा ही बतौर टेस्ट। तो इसमें जो है सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जितनी ज़्यादा पहल करता है उसके लिए उतना अजर है। तो बीइंग अ वुमन, क्योंकि मैं ये मुस्लिमा की मोहब्बत ले रही हूँ, आई एल नॉट स्पीक अबाउट ब्रदर्स साइड या फिर मेन साइड, मैं ये नहीं डिस्कस करूँगी यहाँ पे। तो बीइंग अ मुस्लिमा एंड बिकॉज द लिसनर्स एंड माई स्टूडेंट्स आर फीमेल्स तो मैं ये यही कहूँगी कि आप मुस्लिमा हैं, आप मुहसिनीन का रवैया अख्तियार करिए और सामने वाले को समझने की कोशिश करिए। ये उनकी सेल्फिशनेस नहीं है, ये उनका नेचर है और उनका प्यार का तरीका है। और फिर अगर वो इमोशनल लव, बिकॉज एक औरत के अंदर क्या होता है, डिज़ायर होती है मोर देन सेक्सुअल लव, उसको इमोशनल लव की डिज़ायर होती है, तो फिर अगर वो इमोशनल लव चाहिए तो मैन दे हैव टू बी और ही हैज़ टू बी सैटिस्फाइड सेक्शुअली। इन फैक्ट इफ ही इज सैटिस्फाइड ही विल इन टर्न सैटिस्फाई द वुमन इंशाल्लाह ताला इमोशनली हर तरीके से। और जैसे हम बड़े बूढ़ों से सुनते हुए आए हैं कि मर्द का रास्ता पेट, मर्द के दिल का रास्ता पेट से जाता है, बट आई डोंट अग्री विद दिस, मर्द के दिल का रास्ता बेड से जाता है। और इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक मैं शायद किसी को बुरा भी साउंड करेगा, बट इट्स अ वेरी गुड टूल इन अ वुमन्स हैंड टू रूल ओवर अ मैंस हार्ट। डेफिनेटली ही इफ ही इज सेक्शुअली सैटिस्फाइड अ वुमन कैन रूल ओवर हिम एंड इट्स अ वेरी गुड टूल इन वुमन्स हैंड, बिलीव मी एंड ट्राई इफ यू आर मैरिड। तो हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगी कि बीइंग अ मुस्लिमा वी कांट इवन थिंक ऑफ यूजिंग दिस टूल इन अ रॉन्ग वे। इसलिए इस कोर्स का टाइटल ही एक मुस्लिमा की मोहब्बत है कि बेशक दिस इज अ टूल टू रूल ओवर अ मैन, बट बीइंग अ मुस्लिमा वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे। ना ही इससे हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, बट गुड फिजिकल प्लेजर मीन्स नेक्स्ट डे वो आपका बहुत ख्याल करने वाले हैं और आपको बहुत बहुत से जो है इमोशनली सेटिस्फाई करने वाले हैं। फिर सेकेंड चीज़ जो है,